अजमेर में पेटीएम केवाईसी को अपडेट करने के बहाने से लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। शहर के गंज थाना क्षेत्र के रहने वाले विजय शर्मा ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसके पास पेटीएम की केवाईसी अपडेट करने के लिए फोन आया और उनके बताए लिंक को डाउनलोड कर पिन नंबर दिए गए तो उनके खाते से 25,000 की नकदी निकाल ली गई। इस मामले की सूचना जब बैंक में दी तो वहां से ऑनलाइन ठगी की बात कहकर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। इस मामले में गंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। अजमेर में पेटीएम केवाईसी अपडेट करने के बहाने दर्जनों लोगों को ठगने की वारदात सामने आ रही है और इस कड़ी में यह एक और मामला दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस को इस मामले में अब तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। लगातार ऑनलाइन काम को लेकर सरकार द्वारा दबाव बनाया जाता है, लेकिन इस मामले में ऑनलाइन अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी, क्या मामला है? कल विजय शर्मा निवासी बड़ी नागपणी बोराज ने उपस्थित थानों को एक रिपोर्ट दी कि उसके मोबाइल पर उसके पेटीएम के KYC बंद होने का मैसेज आया। उन्होंने वापस जिस नंबर से मैसेज आया उस पर कॉल किया तो उन्होंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा और उस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो कोड आया वो बताने के लिए कहा। उन्होंने कोड बता दिया उनको और उनके खाते से 25,000 रुपये निकाल लिए गए। सर, कौन सा खाते में? बैंक कौन सा खाते? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सर, कौन सा ऐप बताए, किस कौन सा ऐप था जो डाउनलोड कर रहे थे? KYC के लिए था वो। किसने, क्या नाम है पीड़ित का? विजय शर्मा। कहाँ के निवासी? ये बोराज नागपुर के।